आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे ऊपर स्क्रीन पे दिखाया गया होगा, यहाँ पे जो पहला जो ट्रांजैक्शन है, आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश टी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। 1 लाख से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो 1 लाख से जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस में जो भी आ रहा है, कोई भी एसेट्स हो, उसे हम प्लस कर देंगे और जो बिजनेस से जा रहा है उसे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बिजनेस शुरू किया है तो कैश आया है, इसलिए हम कैश में 1 लाख रुपए प्लस करेंगे। और दूसरा जो इफेक्ट है कैपिटल के ऊपर पड़ा है, क्योंकि जो हम बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं वो 1 लाख का है, तो 1 लाख हमारा कैपिटल बढ़ गया होगा, इसलिए हम कैपिटल को भी प्लस कर दिए। बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा पहला ट्रांजेक्शन था। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, नगद और उधार दोनों है। परचेज गुड्स फॉर कैश, एंड ऑन क्रेडिट 30,000। 20,000 इस वाले ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में 20,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं जो नगद हैं, और 30,000 के गुड्स ऐसे हैं जो हमने उधार परचेज किए हैं। तो देखो टोटल जो हमने गुड्स परचेज किए हैं नगद और उधार, टोटल 50,000 के गुड्स परचेज किए हैं, और गुड्स परचेज करने से गुड्स बिजनेस का बढ़ गया होगा, इसलिए हम स्टॉक में 30 और 20, 50, टोटल 50,000 यहाँ पे दिखाएंगे हम। देखो जो हमने नगद गुड्स परचेज किए वो 20,000 के हैं, नगद परचेज करते हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हम 20,000 से जो नगद गुड्स परचेज किया है कैश में माइनस कर देंगे। और दूसरा जो 30,000 के हमने गुड्स परचेज किए वो उधार है, उधार गुड्स से हम क्रेडिटर के से परचेज करते हैं, जिससे परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर हमारे 30,000 से बढ़ जाएंगे। तो 30,000 को हम क्रेडिटर में प्लस करके दिखा देंगे, और बाकी ना तो डेटर पे कुछ इफेक्ट हुआ है और ना ही कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा है, बाकी इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन हमें प्राप्त होगा, हमारे पास कैश के बच गए हैं 80,000 रुपए और स्टॉक के 50,000 हो गए हैं, डेटर हमारे पास अभी 0 है, कुछ नहीं है, क्रेडिटर के हमें 30,000 पेमेंट करने हैं जो हमारे लिए लायबिलिटी है, और 1 लाख के हमारे पास कैपिटल बचा हुआ है। यहाँ देखो 80 और 50 पूरे 1,30,000 हुए जो एसेट साइड का टोटल है, और दूसरा हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी 1,30,000 है। जैसे कि पहले वीडियो में ही मैंने बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल हमेशा ही इक्वल होगा। चलो अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में हमने गुड्स सोल्ड किया है, वो भी प्रॉफिट में। देखो मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, ये ट्रांजेक्शन हमारा 3 है। हमने गुड्स सोल्ड किया है, नगद बेचे हैं और उधार बेचे, 10,000 के गुड्स हमने नगद बेचे और 15,000 के गुड्स हमने उधार बेचे, और दोनों को जो बेचा है हमने 10,000 15,000 को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। यहाँ पे 2 प्रकार से हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है, पहला जो हमने नगद बेचा है वो
10,000 का है और जो उधार बेचा है गुड्स वो 15,000 रुपये का है, और दोनों को ही हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखिए इधर जो हमने कैश में यहाँ पे जो हमने नगद बेचे हैं ऑन कैश, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपये, और जो प्रॉफिट है 10,000 का 20% प्रॉफिट 2,000 रुपये होते हैं, यानी कि 10,000 वाले गुड्स को 20% प्रॉफिट यानी कि 2,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ के हमने 12,000 में बेचा है, जबकि जो हमने उधार बेचा था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 15,000 रुपये, और जिसका 15,000 का 20% प्रॉफिट जो होता है 3,000 रुपये। फिर 15,000 वाले गुड्स को हमने कितने में बेच दिया, 18,000 रुपये में। चलो देखिए अब इसी को हम यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिखाना है। चलो देखो यहाँ पे जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है जो हमने सोल्ड आउट किया है वो टोटल 25,000 के हैं, 25,000 गुड्स हमारे बिजनेस से गया है, इसलिए हम 25,000 को स्टॉक में से माइनस कर देंगे। हम देखो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है हमें 5,000 रुपये, इस 5,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी, इसकी वजह से हम 5,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है जो हमने नगद बेचा था वो 10,000 वाले गुड्स को हमने 12,000 में बेच दिया है, नगद बेचा तो 12,000 हमें शीघ्र ही रिसीव हो गए होंगे, इसके वजह से कैश हमारा बढ़ गया होगा 12,000 से, इसलिए हम 12,000 को कैश में प्लस कर देंगे। अरे जो 15,000 के गुड्स जो है जो हमने 18,000 में बेचे हैं, ये 18,000 हमने उधार में बेचे हैं जो हमें अभी रिसीव नहीं हुए हैं, और जो हम उधार जो गुड्स बेचते हैं वो डेटर को बेचते हैं, इसके वजह से हम उधार बेचने से हमारे 18,000 के डेटर बढ़ गए होंगे, इसलिए हम जो 18,000 को डेटर में दिखाएंगे 18,000, और बाकी क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इसलिए हम यहाँ पे 0 दिखाएंगे। हम अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कैश अब हमारे पास 92,000 रुपये के हो गए हैं, और स्टॉक अब हमारे पास 25,000 के हैं, उसी प्रकार डेटर अब हमारे पास 18,000 के हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, और 30,000 के क्रेडिटर हैं जिन्हें पैसे हमें देने हैं, और हमारे पास टोटल कैपिटल हो गए 1,05,000 रुपये। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एसेट साइड का जो टोटल है, एसेट साइड में 3 है और लाइबिलिटी साइड 2 है, एसेट साइड का टोटल जो बन रहा है ठीक है 1,35,000 रुपये, उसी प्रकार हमारे लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 1,35,000 हो रहे हैं, और ये दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख, देखिए यहाँ पे हमने बिजनेस शुरू किया 1,00,000 रुपए से जिससे हमारे कैश बढ़ गए होंगे, हम कैश में प्लस कर देंगे, बाकी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कैपिटल हमारा 1,00,000 से बढ़ गया है। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2, यहाँ पे जो मैंने लिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे उसके बाद से हम उसके अनुसार ही हेडिंग
बनाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था पहले पहले वीडियो में कि हम उन्हीं का हेडिंग बनाते हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस को शो करते हैं, साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है, उनका पेमेंट हमें करना बाकी है, इसलिए हमारे पास लायबिलिटी बन गया, इसलिए हम इसे लायबिलिटी की तरफ शो करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, एक बिजनेस के लिए असेट्स माना जाता है। असेट्स इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई ऐसे खर्चे जो हैं जिनका हमने पहले ही भुगतान कर दिया है, अब पहले ही भुगतान करने के कारण हमें बाद में उनका पेमेंट नहीं करना होगा, इसलिए हमारे लिए ये असेट्स होंगे, इसे हम असेट्स की तरफ शो करेंगे। इसलिए असेट्स होने के कारण हमने इनका अलग से हेडिंग बनाया है और साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लायबिलिटी की तरफ हेडिंग बनाया है। चलो देखिए, अगला जो हमारा दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो हम रेंट पे कर रहे हैं एडवांस में। ₹3,000 का रेंट हमने एडवांस में पेमेंट किया, एडवांस में पेमेंट किया है, जिसके वजह से कैश इफेक्ट हुआ है, कैश हमारा कम क्या होगा, एडवांस में पेमेंट हम करेंगे तो कैश इफेक्ट होगा और कैश कम जाएगा, और साथ में ही एडवांस में पेमेंट करने के कारण हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए होंगे, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम 3,000 शुरू करेंगे और बाकी कोई से भी ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन सब की जगह 0,0,0 दिखाएंगे। हम इनका टोटल करेंगे, हम माइनस कर देने पे 97,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से बढ़ चुके हैं। क्रेडिटर हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, कैपिटल हमारे पास 1,00,000 के हैं। ये हमारा न्यू इक्वेशन होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे गुड्स हमने परचेज किया है नगद और उधार। ₹20,000 का हमने उधार गुड्स परचेज किया और ₹50,000 के नगद परचेज किए। गुड्स चाहे हम उधार परचेज करें या फिर नगद परचेज करें, गुड्स हमारे पास बढ़ जाएगा, तो टोटल गुड्स हमारे पास जो बढ़े 20,000 और 50,000, टोटल 70,000 से बढ़ गए हैं, इसलिए हम 70,000 को गुड्स में ऐड कर देंगे। और जो हमने नगद परचेज किए हैं वो है ₹50,000, तो 50,000 से हमारा कैश कम गया होगा, इसलिए 50,000 को हम कैश में से माइनस कर देंगे और 20,000 के जो गुड्स हैं जो है हमने उधार परचेज किए, जिससे अब गुड्स उधार परचेज हम क्रेडिटर से करते हैं, इसलिए 20,000 के क्रेडिटर हमारे बढ़ गए हैं और बाकी कोई किसी भी ट्रांजेक्शन कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम 0,0 दिखाएंगे। इसका टोटल हम करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, ₹47,000 के कैश बचे हैं, 70,000 के हमारे पास स्टॉक हो चुके हैं और 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो हमें एडवांस में पेमेंट किया है जिनका, और 20,000 के क्रेडिटर हैं जिनका पेमेंट हमें करना है और 1,00,000 के हमारे पास कैपिटल है। ये हमारा न्यू इक्वेशन है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में गुड्स सोल्ड किया है हमने, 40,000 वालों को 80,000 में हमने बेच दिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ₹80,000 कॉस्टिंग जिसका कितना था, ₹40,000। यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 में हमने 40,000 के गुड्स को 80,000 में बेचा है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है
वो 40,000 का हुआ है। अब जो हमने गुड्स बेचा है नगद बेचा है, तो 80,000 हमें नगद प्राप्त हो गए होंगे, इसलिए हमारा कैश जो होगा 80,000 से बढ़ जाएगा। जबकि हमारे स्टॉक जो है 40,000 का कॉस्ट था स्टॉक का, जिसकी वजह से बेचने के कारण 40,000 स्टॉक कम हो गए होंगे, साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है। और दूसरा जो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 के गुड्स के लिए हम 80,000 में बेचते हैं, जिससे हमें 40,000 का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के होने से हमारे कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए हम 40,000 को कैपिटल में प्लस कर देंगे। और इसका इफेक्ट और कोई से भी ट्रांजेक्शन पे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम 0 दिखाएंगे। इसका हम टोटल कर लेंगे, हमारा जो न्यू इक्वेशन है, अब हमारे पास जो कैश हो गए हैं 1,27,000, तीस हजार के अब हमारे पास गुड्स बचे हैं, चलो देखिए। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हमने सैलरी पे किया है, ₹4,500 की सैलरी पेमेंट किया है। एंड सैलरी जो हमारा आउटस्टैंडिंग है देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमने 4,500 का सैलरी पेमेंट किया है, और 1,000 के ऐसे सैलरी हैं जिनका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, टोटल जो हमें सैलरी के पेमेंट करने हैं वो ₹5,500 करने हैं, जिसमें से हमने अभी 4,500 ही पेमेंट किया है। 4,500 अभी पेमेंट करने के कारण हमारे कैश 4,500 से घट गया होगा, तो हम 4,500 को हम कैश में माइनस कर देंगे। और दूसरा जो हमने पेमेंट अभी नहीं किया है वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि जिनका पेमेंट हम अभी नहीं करते वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसलिए 1,000 का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो बढ़ गया होगा, इसलिए हम इसे आउटस्टैंडिंग के कॉलम में दिखाएंगे। अब देखो, अब जो जो भी हम पेमेंट करते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे हमारे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, मगर यहाँ पे 4,500 जिनका अभी हमने पेमेंट किया है, और जो बाद में पेमेंट करना है वो ₹1,000, टोटल 5,500 हुए, तो 5,500 से कैपिटल इफेक्ट होगा, इसलिए हम 5,500 से कैपिटल में माइनस कर देंगे। और बाकी कोई से भी ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम 0,0 दिखाएंगे और इसका हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो कैश बचे हैं 1,22,500 है, माइनस करना था हमें 4,500। 30,000 के हमारे पास स्टॉक है, 3,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस, 20,000 के क्रेडिटर हैं हमारे, 1,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस करेंगे तो हम कितने बच जाएंगे, 1,34,500 रुपये। ये न्यू इक्वेशन होगा। देखो, अब छठा ट्रांजेक्शन, ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, हमने मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, ₹30,000 का हमने मोटरसाइकिल परचेज किया पर्सनल यूज। मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी हम परचेज करते वो हमारे लिए ड्रॉइंग माना जाता है। तो यहाँ देखो, हमने मोटर बाइक परचेज किया, जिससे हमारा कैश ₹30,000 से कम गया होगा, इसलिए हम 30,000 माइनस कर देंगे हम कैश में से। और दूसरा जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल में से भी हम ₹30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो ड्रॉइंग होता है,
ड्रॉइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, और ये एक तरीके ड्रॉइंग है जो हमने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है मोटरसाइकिल, इसलिए हम कैपिटल में से 30,000 को माइनस कर देंगे। बाकी किसी भी हेडिंग पे इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसे 0,0 दिखाएंगे और इसे हम लास्ट में प्लस माइनस करेंगे। आगे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे 1,22 में से 1,22,500 में से माइनस करेंगे तो 92,500 कैश के बचे हुए हैं, और 30,000 हमारे पास स्टॉक है, और 3,000 के ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया है, और 20,000 के क्रेडिटर हैं जिनका पेमेंट हमें करना है, और 1,000 के ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जिनका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और बाकी अभी तक हमारे पास कैपिटल जो बच गए हैं 1,04,500 रुपए की। यदि हम इन सब का टोटल करें, असेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल, तो इन दोनों का टोटल बराबर आएगा। चलो देखो एक बार जांच कर लेते हैं। 92,500 और 30 और 3,000, इन सब का टोटल हो जाएगा 1,25,500 रुपए। एक लाख 25,500। उसी प्रकार हमारे जो लाइबिलिटी और असेट साइड, लायबिलिटी और कैपिटल का भी टोटल, इन तीनों का टोटल कितने हैं? 1,25,500 रुपए। इन दोनों का टोटल आने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है।